साथियों, यहां दमन की स्थिति तो ये है कि विरोधी विचारधारा वालों को पेड़ पर फांसी पर लटका दिया जाता है। दीदी तो चाहती है कि पुलिस प्रशासन उनके लिए एक प्राइवेट सिक्योरिटी और प्राइवेट पॉलिटिकल एजेंसी बनकर काम करे। ये दीदी का दमन चक्र ही है कि सरस्वती पूजा, काली पूजा मनाने से पहले यहां के लोगों को 100 बार सोचना पड़ता है। लोग थर थर कांपते हैं। रामनवमी के जुलूस हमेशा डर के साए में निकलते हैं। ये दीदी का दमन चक्र ही है कि घुसपैठिए आराम से मौज मस्ती से जीते हैं। और देशभक्तों, राम भक्तों, दुर्गा भक्तों, सरस्वती भक्तों को खतरे के साए में जीना पड़ता है, बम बंदूक के डर के बीच जीना पड़ता है। ये दीदी का दमन चक्र ही है कि गुंडों को पूरी सुरक्षा मिलती है, जबकि अपनी ही बहन बेटियों की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। ये दीदी का दमन चक्र ही है कि सिंडिकेट फल फूल रहा है, लेकिन टीचरों को, कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए सरकार पैसा न होने का बहाना करती है। भाइयों और बहनों, दाम और दमन के चक्र के बल पर दीदी खुद को मजबूत करना चाहती है, लेकिन मुट्ठी भर सीटों से दीदी दिल्ली नहीं पहुंचा जा सकता। दीदी, दिल्ली बहुत दूर है। और ये मैं कह रहा हूं नहीं, ये दीदी को भी पता है, लेकिन दिल में कुछ और है। दीदी बताती नहीं है, लेकिन दिल में कुछ और है। दिल में क्या है मैं बता दूं? दीदी के दिल में क्या है बता दूं? बता दूं? आप याद रखोगे? देखिए, असल में दिल्ली तो बहाना है, यहां पर भतीजे को जमाना है।